Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लैक कलर का स्टूल पास होना, ब्लैक कलर की पॉटी आना, क्या ये नॉर्मल है या किसी चिंता का कारण है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होता है, हमारी गट हेल्थ इफेक्ट होती है, गट मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो जितना ज्यादा समय के लिए वो स्टूल आपके इंटेस्टाइन में रहेगा, वो हार्ड होता जाएगा और उसका कलर भी डार्क होता जाएगा। तो इसकी वजह से जब आप स्टूल पास करते हो तो वो ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है आपके आयरन के टेबलेट्स। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट महिला को एक 12 वीक्स के बाद आयरन के, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही से बनी रहे। तो वो आयरन की टेबलेट्स की वजह से जो जितना आयरन आपकी बॉडी को चाहिए होगा वो आयरन की टेबलेट से आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक्स्ट्रा आयरन होगा वो आपके स्टूल में चला जाएगा। तो इसकी वजह से भी आपकी पॉटी का कलर डार्क होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो जब हम पहली बार ऐसा देखते हैं तो कई बार हमें चिंता होती है कि क्या ये नॉर्मल है या फिर हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी। तो ये कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है और आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयरन के, कैल्शियम की टेबलेट्स की वजह से ऐसा होता है। और कई बार जब आप खाने में कोई ब्लैक कलर की चीज इंक्लूड करते हो, जैसे जामुन हो गया या ब्लूबेरीज हो गई, तो इसकी वजह से भी ब्लैक कलर का स्टूल पास होता है। तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे। आई होप के मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।